आपको तो घूंघट करना है, एक स्वाभाविक बात है कि आप उस परिवार से सीधा हैं। तो आज आपका इन वीर सिंह बोध जी ने एक आपका ये घूंघट हटवा दिया, पर्दा हटवा दिया, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये कभी आपने कोशिश की कि मैं इस पर्दे को हटाऊं, मैं एक बराबर का हकदार हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी को आगे निभाऊं? हाँ जी, गाँव गाँव में जाके मैं अपनी वीर सिंह बोध जी, आज करमवीर बोध जी, आज यहाँ दीक्षा समारोह है, ये आम जनता को या बहुजन समाज को दीक्षा लेने का क्या फायदा है? बाबा साहब की विचारधारा समता समानता और बंधुत्व आधारित जो है ना, बुद्ध की विचारधारा है कि बुद्ध ने कहा था किसी बात को इसलिए मत मानो कि सदियों से चली आ रही है, और बुद्ध ने यह कहा किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि लाखों लोग कह रहे हैं, और बुद्ध ने यह भी कहा किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। तो बुद्ध की विचारधारा है कि किसी बात को मानने से पहले जांचना होगा, परखना होगा, और जांचने और परखने के बाद जो बात सही हो उस बात को मानना होगा। तो आज जो दीक्षा के कार्यक्रम में जो लोग आए हैं और बुद्ध की भी जो विचारधारा है वो समता समानता और बंधुत्व आधारित है, वो हमारी बहन हो, हमारी बहू हो, हमारी बेटी हो, वो बेटी के तरह जो है ना हमें बर्ताव करना चाहिए। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, लेकिन पर्दा करने से जो सदियों पुरानी इस देश इसकी गुलामी जो ना की तरफ जो ना अग्रसर करती है, आज हमारी बहन ने सीता देवी ने जो ना पर्दा उतार कर और हमारे साथी जो ना गौतम जी ने जो बात मानी है, ये देश के सामने, खासकर दलितों के सामने, पिछड़े वर्ग लोगों के सामने, और इस देश के लोग जो अंधविश्वासी लोगों के मुंह के ऊपर तपेड़ा है कि आज घर घर जाकर जो ना आप खुद जो ना स्टेजों पर भाषण देते हैं कि पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं अपील करता हूँ पूरे देशवासियों से कि यह जो प्रथा है, ये पर्दा प्रथा है, वो खासकर जो ना हमारे परिवार में तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बाबा साहब के परिवार के जो ना अनुयायी हैं, बाबा साहब की जो ना औलाद हैं, बाबा साहब की जो ना हम जो है ना बच्चे हैं, इसलिए हमने बाबा साहब की विचारधारा इस देश के लिए मैं जो ना आगे बढ़ाने का काम करेगी, जो ना जाति रहित समाज पैदा करेगी, वर्ण व्यवस्था को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, जातिवाद को नहीं तोड़ेंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, और वो चीज़ केवल बाबा साहब की विचारधारा और तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा ही पूर्ण कर सकती है।